जय भीम साथियों, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गुट। आज यहां पर बस नाले का उद्घाटन किया गया है, जिसमें विजय सोनावाड़े के द्वारा उनके अध्यक्षता में की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक भाऊ निकालजे के द्वारा संपन्न कराया गया इस उद्घाटन का, फीता काट करके। जय भीम साथियों, हम आज आनंद नगर चैम्बूर में आए हुए हैं। यहाँ पर विजय सोनावड़े के द्वारा वाचनालय का उद्घाटन कराया गया है। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक भाऊ निकालजे, जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गुट के हैं, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, विजय सोनावाड़े जी से हमें बताएं कि ये जो उद्घाटन किया गया है वाचनालय का, इसमें पेपर भी रखे हुए हैं, तमाम न्यूज़पेपर हैं तमाम उसके, तो इसमें क्या क्या यहाँ सुविधाएं आपके द्वारा दी जाएगी। जय भीम साथियों, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर गट, ये जो मूवमेंट है ये बाबा साहब की संगठना है, और इसी संगठना में राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकाय जिनके माध्यम से यहाँ पर हमने वाचनालय खोला है। और वाचनालय खोलने की वजह ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, बाबा साहब ने कहा था जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे हमारे बच्चों ने यहाँ पर देखिए ज्येष्ठ नागरिक कट्टा बनाया है। यहाँ पर बाजू में आचार्य कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज में हर संडे में बाहर से लोग आते हैं और उनको बैठने के लिए काफ़ी सुविधा नहीं थी, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो तकलीफ़ होता है, वो बैठ नहीं पाते, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो हम जो यहाँ के आनंद नगर रहवासी संघ है, यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, ये जो हमारा परिवार है, तो हमने सोचा कि नहीं, कुछ हम लोग अच्छा करते हैं, क्योंकि हम अंबेडकर मूवमेंट चलाते हैं, इसके माध्यम से हम लोगों ने ऐसे सोचा। और फिर सोचते ही हमने क्या किया, हमने इस मूवमेंट पे काम करना चालू कर दिया, तो बहुत अच्छा लोगों का प्रतिसाद आया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे जब ही देखे तभी मोबाइल में ही व्यस्त रहते, तो उनको कुछ अंबेडकर के बारे में पता ही नहीं चलता है ज़्यादा करके। तो यहाँ पर जब अंबेडकर जी की किताबें यहाँ पे रखी जाएगी, तो लोग यहाँ पे देखेंगे, बच्चे यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर बैठ के वो पढ़ेंगे, और एक बार उन्होंने पढ़ना चालू कर दिया तो जैसे हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं, और पिक्चर देखने के बाद में कोई वहाँ पे फाइटिंग का शो होता है, और फाइटिंग का शो होने के बाद में वहाँ पे एडवर्टाइज आ जाता है, तो वो सीन इतना अच्छा रहता है कि देखने के लिए कोई वहाँ से हटता भी नहीं है। तो ऐसे ही बाबा साहब की जो किताबें हैं, एक बार बच्चे पढ़ना चालू कर देंगे तो उनके जहन में, उनके दिमाग में वही रहेगा कि नहीं इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, और मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और वो जैसे बाबा साहब के जो खंड है, जो चैप्टर है, बाबा साहब ने खुद लिखी हुई किताबें, वो यहाँ पर आके पढ़ेंगे, और जैसे ही पढ़ेंगे तो मुझे लगता है हम लोग जैसे आगे पढ़कर आगे बढ़े, वैसे यहाँ के बच्चे भी उस माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सामाजिक लेवल पे काम हो रहा है। और मुझे दूसरा जो बोलना है, ये RPI के माध्यम से, कि देखिए यहाँ पर जो 230 रुपए का गैस मिल रहा था, हमको गैस सिलेंडर मिल रहा था, वो आज हमें 810 रुपए का मिल रहा है। हमें जो जो हमारी जो सुविधा है, पेट्रोल भी देखा जाए तो अभी 98 हो गया है, अभी वो पूरा 100 भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर कोई संगठना आवाज़ नहीं उठा रही। एक तो हमें क्या करती है, शुरू में आदत लगाया जाता है, और आदत लगाने के बाद में हमारा जो है शोषण होता है। जैसे हमारा लाइट बिल है, वो पहले लाइट बिल क्या करते थे, 6 महीने एक साल के बाद में अगर हम लोगों ने लाइट नहीं भरा है तो वो काटते थे। अभी दूसरे दिन, दूसरे महीने, तीसरे महीने में ये लाइट बिल काट रहे, तो अदानी का भी हमारे ऊपर बहुत सारा अन्याय हो रहा है। और इसी अन्याय को रोकने के लिए दीपक भाऊ निकाय जी
उनकी बहन सुनीता चौहान और उनके अन्य कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम करे, वो मैदान में उतरे, तो आप लोग भी सहयोग करें, उनकी मदद करें। मैंने भी देखा कि वो बहुत अच्छा काम करे, तो मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि वो बहुत अच्छा काम करे, तो उसको मुझे भी योगदान देना है। वो हमारे गैस सिलेंडर के लिए लड़ रहे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लड़ रहे, अब पेट्रोल महंगा हुआ है उसके लिए लड़ रहे, हमारा शोषण हो रहा है उसके लिए लड़ रहे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो वो रास्ते में उतरे, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको हम लोग अच्छी तरह से उनको हेल्प करें और उनको मदद करें। तो यही सब जो हमने देख के, मैं बोला ये हर रास्ते पे, हर जगह पे देखूँ यही हो रहा है। दीपक भाऊ ही आगे आ रहे, तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको हम लोग मदद करें, उनको सहयोग करें। और जो है, मैंने बोला था कि वाचनालय हम लोगों ने खोला है, तो जिन किन के पास पुराने किताब रहेंगे तो किताब यहाँ पर ला के रखे, जिन्होंने पढ़ा है और घर पे ऐसे ही पढ़े, तो क्या वो किताब यहाँ पर बच्चों को काम आ जाएगी। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथियों, हम आज आनंद नगर चेंबूर में आए हुए हैं। यहाँ पर विजय सोना ओड़े के द्वारा वाचनालय का उद्घाटन कराया गया है। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक भाऊ निकालजे, जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गुट के हैं, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, विजय सोनावाड़े जी से। जनहित 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है सर, और आप हमें बताएं कि ये जो उद्घाटन किया गया है वाचनालय का, इसमें पेपर भी रखे हुए हैं, तमाम न्यूज़पेपर हैं तमाम उसके, तो इसमें क्या क्या यहाँ सुविधाएँ आपके द्वारा दी जाएगी? जय भीम साथियों, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गट, ये जो मूवमेंट है ये बाबा साहब की संगठन है, और इसी संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकाय जिनके माध्यम से यहाँ पर हमने वाचनालय खोला है। और वाचनालय खोलने की वजह ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, बाबा साहब ने कहा था जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे हमारे बच्चों ने यहाँ पर देखिए ज्येष्ठ नागरिक कट्टा बनाया है। यहाँ पर बाजू में आचार्य कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज में हर संडे में बाहर से लोग आते हैं, और उनको बैठने के लिए काफ़ी सुविधा नहीं थी, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो तकलीफ़ होता है, वो बैठ नहीं पाते, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो हम जो यहाँ के आनंद नगर रहवासी संघ है, यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, ये जो हमारा परिवार है, तो हमने सोचा कि नहीं, कुछ हम लोग अच्छा करते हैं, क्योंकि हम अंबेडकर मूवमेंट चलाते हैं, इसके माध्यम से हम लोगों ने ऐसे सोचा, और फिर सोचते ही हमने क्या किया, हमने इस मूवमेंट पर काम करना चालू कर दिया, तो बहुत अच्छा लोगों का प्रतिसाद आया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे जब ही देखे तभी मोबाइल में ही व्यस्त रहते, तो उनको कुछ अंबेडकर के बारे में पता ही नहीं चलता है ज़्यादा करके। तो यहाँ पर जब अंबेडकर जी की किताबें यहाँ पे रखी जाएगी, तो लोग यहाँ पे देखेंगे, बच्चे यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर बैठ के वो पढ़ेंगे, और एक बार उन्होंने पढ़ना चालू कर दिया तो जैसे हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं, और पिक्चर देखने के बाद में कोई वहाँ पे फाइटिंग का शो होता है, और फाइटिंग का शो होने के बाद में वहाँ पे एडवर्टाइज आ जाता है, तो वो सीन इतना अच्छा रहता है कि देखने के लिए कोई वहाँ से हटता भी नहीं है। तैसे ही बाबा साहब की जो किताबें हैं, एक बार बच्चे पढ़ना चालू कर देंगे तो उनके जहन में, उनके दिमाग में वही रहेगा कि नहीं इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, अब मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और वो जैसे बाबा साहब के जो खंड है, जो चैप्टर है, बाबा साहब ने खुद लिखी हुई किताबें, वो यहाँ पर आके पढ़ेंगे, और जैसे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है हम लोग जैसे आगे पढ़कर आगे बढ़े, वैसे यहाँ के बच्चे भी उस माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सामाजिक लेवल पे काम हो रहा है। और मुझे दूसरा जो बोलना है, ये RPI के माध्यम से, कि देखिए यहाँ पर जो
230 रुपए का गैस मिल रहा था, हमको गैस सिलेंडर मिल रहा था, वो आज हमें 810 रुपए का मिल रहा है। हमें जो जो हमारी जो सुविधा है, पेट्रोल भी देखा जाए तो अभी 98 हो गया है, अभी वो पूरा 100 भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर कोई संगठन आवाज़ नहीं उठा रही। एक तो हमें क्या कर दिए, शुरू में आदत लगाया जाता है और आदत लगाने के बाद में हमारा जो है शोषण होता है। जैसे हमारा लाइट बिल है, वो पहले लाइट बिल क्या करते थे, 6 महीने एक साल के बाद में अगर हम लोगों ने लाइट नहीं भरा है तो वो काटते थे। अभी दूसरे दिन, दूसरे महीने, तीसरे महीने में ये लाइट बिल काट रहे। तो अदानी का भी हमारे ऊपर बहुत सारा अन्याय हो रहा है और इसी अन्याय को रोकने के लिए दीपक भाऊ निकाय जी, उनकी बहन सुनीता चौहान और उनके अन्य कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम करे, वो मैदान में उतरे हैं। तो आप लोग भी सहयोग करें, उनकी मदद करें। मैंने भी देखा कि वो बहुत अच्छा काम करे, तो मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मेरा फ़र्ज बनता था कि वो बहुत अच्छा काम करे, तो उसको मुझे भी योगदान देना है। वो हमारे गैस सिलेंडर के लिए लड़ रहे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लड़ रहे, अब पेट्रोल महंगा हुआ है उसके लिए लड़ रहे, हमारा शोषण हो रहा है उसके लिए लड़ रहे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो वो रास्ते में उतरे तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको हम लोग अच्छी तरह से उनको हेल्प करें और उनको मदद करें। तो यही सब जो हमने देख के मैं बोला, ये हर रास्ते पे, हर जगह पे देखूँ यही हो रहा है। दीपक भाऊ ही आगे आ रहे, तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको हम लोग मदद करें, उनको सहयोग करें। और जो है, मैंने बोला था कि वाचनालय हम लोगों ने खोला है, तो जिन किन के पास पुराने किताब रहेंगे तो किताब यहाँ पर ला के रखे, जिन्होंने पढ़ा है और घर पे ऐसे ही पढ़े तो क्या वो किताब यहाँ पर बच्चों को काम आ जाएगी।